वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमी इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पोइम जो है वो शेयर करूंगी जिसका नाम है मैरिजेस आर मैड। दिस इज रिटन बाय यूनस डी सोजा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोइम। माय कजन एलिना इज टू बी मैरिड। द फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड। हर फैमिली हिस्ट्री एग्जामिन्ड फॉर टीबी एंड मैडनेस। हर फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट। हर आईज एग्जामिन्ड फॉर स्क्विंट्स। हर टीथ फॉर कैविटीज। हर स्टूल्स फॉर द पॉसिबल नॉन ब्रह्मीन वोम्स। She's not quite tall enough and not quite full enough. Children will take care of that. Her complexion, it was decided, would compensate, being just about the right shade of brightness to do justice to Francisco X. Norona Bravo, good son of Mother Church. सो ये जो है पोइम थी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल वर्ड्स में है, जैसे आप देख सकते हैं उसको ईजिली समझ सकते हैं। माय कज़न एलिना, एलिना जो पोइट है वो कह रहा है कि मेरी कज़न है जिसका नाम एलिना है, इज़ टू बी मैरिड, उसकी शादी हो रही है। द फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कम्प्लीटेड। और शादी से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो रस्म व रिवाज होते हैं, जो ज़रूरी काम होते हैं, वो मुकम्मल हो चुके हैं। और वो कौन से काम हैं? हर फैमिली हिस्ट्री एग्जामिन्ड फॉर टीबी एंड मैडनेस। एलिना की फैमिली हिस्ट्री को चेक किया गया है मदर एंड फादर साइड हर तरफ से कि क्या किसी को फैमिली में टीबी तो नहीं हुआ या मैडनेस की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली जो है ये पास हो सकती हैं ये बीमारियां। तो पहले अच्छी तरह चेक किया गया कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में टीबी या मैडनेस की बीमारी तो नहीं। हर फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट, उसके फादर की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया गया। सॉल्वेंट का मतलब वो बंदा होता है जो अपने कर्ज अदा कर सकता है। उसके फादर को जो है चेक किया गया कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, सिंपल कि उसके पास कितना पैसा है उसके फादर के साथ। तो वो क्लियर हो गया कि उसके फादर की जो है फाइनेंशियल हालत जो है वो स्टेबल है। हर आईज़ एग्जामिन्ड फॉर स्क्विंट्स, उसके बाद उसकी आईज़ को एग्जामिन किया गया जो कि एक मेडिकल टेस्ट था। उसको चेक किया गया कि क्या उसको स्क्विंट्स की बीमारी तो नहीं है। स्क्विंट वो बीमारी है जिसमें आईज़ जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं देखती हैं, बल्कि एक डायरेक्शन में देखती हैं तो दूसरी आई दूसरी डायरेक्शन में दिखती हुई नज़र आती है। हर टीथ फॉर कैविटीज़, उसकी आंखों को चेक किया गया, उसके दांतों को चेक किया गया कि उसमें कैविटीज़ तो नहीं है। हर स्टूल फॉर द पॉसिबल नॉन ब्रह्मीन वोम, यहाँ तक कि उसके स्टूल्स को भी जो है मेडिकल टेस्ट किया गया कि उसमें किसी किस्म के जो है वोम्स तो नहीं है, किसी किस्म के जो है कोई इंसेक्ट्स तो नहीं है, उसमें कोई मसला तो नहीं, मतलब मेडिकली उसको हर तरफ से जो है एग्जामिन किया गया। शी इज़ नॉट क्वाइट टॉल इनफ एंड नॉट क्वाइट फुल इनफ, मज़ीद उसमें क्या मसाइल थे, मतलब वो तो सब उसका क्लियर हो गया मेडिकल टेस्ट। मज़ीद ये कि उसको एग्ज़ामिन किया गया फिज़िकल अपेयरेंस के बारे में, और उसके बारे में उसको चेक किया गया और देखा गया कि बहुत लंबी नहीं थी, नॉट क्वाइट फुल इनफ, और बहुत ज़्यादा फुल भी नहीं थी, मतलब उसका बहुत वेट भी नहीं था। सिंपल, नॉट क्वाइट टॉल इनफ मतलब वो शॉर्ट थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, टॉल नहीं थी, एंड नॉट क्वाइट फुल इनफ मतलब वो बिल्कुल फुल नहीं लगती थी, वो स्लिम थी। चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ दैट, लेकिन जो है ब्रैकेट में लिखा गया कि जो मैच मेकर्स थे, जो उसका फैसला करने वाले थे, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में वो वेट गेन कर लेगी बच्चों के बाद। हर कम्प्लेक्शन इट्स वॉज डिसाइडेड वुड कम्पेंसेट, फिर ये फैसला किया गया कि उसकी जो कम्प्लेक्शन है, उसकी जो रंगत है वो बहुत अच्छी है, वुड कम्पेंसेट, तो वो उसकी बाकी जो है शॉर्ट कमिंग्स को कम्पेंसेट कर लेगी, वो पूरा कर देगी। अगर चाहे वो बहुत लंबी नहीं और वो बहुत पतली है, लेकिन जो उसकी कम्प्लेक्शन है वो ऐसी है कि बाकी जो है चीज़ों को वो कवर कर लेती है। बींग जस्ट अबाउट द राइट शेड ऑफ राइटनेस, बिल्कुल सही उसका शेड है, सही है, टू डू जस्टिस टू फ्रांसिस्को एक्स नोरहोना ब्रावो, जो इस शख्सियत को जो है वो जस्टिस कर लेगी, मतलब वो इस काबिल है कि इस शख्स से जो है वो शादी कर सके, जो कौन है, गुड सन ऑफ मदर चर्च, जो मदर चर्च का बहुत अच्छा बेटा है। सिंपल दैट ही इज़ अ क्रिश्चियन, ठीक है, और उसके लिए सिर्फ यही हमें मालूम है कि वो क्रिश्चियन है, और उसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नेम है। ये जो है आयरॉनिक है तंजिया तौर पर कि उसका नाम इतना बड़ा है, उसकी फैमिली जो है इतनी ग्रैंड है, यही काफ़ी है, और वो जो है मदर चर्च का अच्छा बेटा है, मतलब ही इज़ अ क्रिश्चियन, तो बस यही काफ़ी है, और मज़ीद उसका कोई टेस्ट नहीं लिया गया इस पोएम में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको इस पोएम को पढ़कर ही जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा
किसका थीम क्या है। ये जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ में औरतों के साथ जो सलूक रखा जाता है, ये उस बारे में, ये एक सटायर है। सटायर का मतलब ये होता है कि आयरनी के ज़रिए, तंस के ज़रिए या ह्यूमर के ज़रिए माशरे की बुराइयों को जो है उस पर बात करना, ताकि वो बुराइयाँ जो है माशरे से ख़त्म हो सके, या माशरे की बुराइयों की तरफ लोगों का एहसास दिलाना, उनको अवेयर करना कि ये जो है औरतों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। तो ये भी जो है एक सटायर है। ये पोइम सबसे पहले, इसका जो टाइटल है मैरिजेस आर मैड, ये जो है आयरोनिक है, तंजिया है। किस बात पे तंज है कि अगर हम देखें, ये एक बहुत मशहूर सेइंग है कि मैरिजेस आर मेड ऑन हेवन बट सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ, रिश्ते जो है वो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ है मैरिजेस आर मेड, इसका मतलब ये कि मैरिजेस इस दुनिया में बनते हैं, यहाँ के लोग बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद लड़की को सेलेक्ट किया जाता है। फिर जो है अगर उसमें बहुत सारी खूबियां होंगी तो फिर वो इस काबिल होगी कि वो जो है किसी मर्द की जो है काबिल हो सके। और मर्द के लिए ऐसे कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, जबकि मेडिकल टेस्ट उसके भी हो सकते हैं और उसको भी ये सब कुछ चेक किया जाना चाहिए, लेकिन मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ में औरतों के काफ़ी ज़्यादा जो है उनको परखा जाता है, उनको चेक किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जेजरेशन भी है, जैसे उसके मेडिकल टेस्ट को कुछ ज़्यादा ही एग्जेजरेट किया गया है, लेकिन ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए भी है। और बहरहाल अच्छा खासा जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ में औरतों को बहुत परखा जाता है, लोग आते हैं और देखते हैं। तो ये सारा उस पर आयरनी है और सटायर है, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने रिटन फॉर्म में लिखा है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी समरी है, एलिना इज गोइंग टू बी मैरिड सून, एलिना बहुत जल्दी उसकी शादी होने वाली है, ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड, फैमिली हिस्ट्री हैज बीन एग्जामिन्ड टू मेक श्योर दैट देयर हैज बीन नो केस ऑफ टीबी एंड मैडनेस। फैमिली हिस्ट्री को एग्जामिन किया गया ये श्योर करने के लिए कि टीबी या मैडनेस का कोई केस तो जो है वो फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, और फाइनेंशियल पोजीशन हैज बीन चेक्ड, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया गया, इट हैज़ बीन फाउंड दैट हर फादर इज़ नॉट इन एनी डेट, और ये मालूम किया गया कि उसका फादर जो है वो किसी कर्जे में नहीं है, हर आइज हैव बीन केयरफुली ऑब्जर्व्ड, उसकी आंखों को बहुत एहतियात से जायजा लिया गया टू चेक इफ दे बोथ कैन लुक इन द सेम डायरेक्शन, कि क्या उसको स्क्विंट्स की बीमारी तो नहीं, क्या उसकी आंखें दोनों एक सिम्थ में देख सकती हैं, हर टीथ हैव आल्सो बीन एग्जामिन्ड फॉर कैविटीज, कैविटीज चेक करने के लिए उसकी टीथ की भी एग्जामिनेशन की गई, इवन हर स्टूल्स हैव बीन टेस्टेड टू मेक श्योर दे डू नॉट कंटेन एनी वर्म्स, यहाँ तक कि उसकी स्टूल्स की भी टेस्टिंग की गई। After all her medical examinations, her physical appearance has been closely scrutinized. Medical examination के बाद उसकी physical appearance का बहुत closely जायज़ा लिया गया। She has some limitations here as she is not quite tall and not quite plump. उसकी कुछ यहाँ पे limitations थी, कुछ कमियाँ थी, क्योंकि वो बहुत tall नहीं थी और plump नहीं थी। Plump का मतलब full होना, उसकी जिस्म बहुत full नहीं था। Simply, she is short and slim. Simple अल्फाज में हम कहेंगे कि वो short थी और slim थी, but the matchmakers think that she'll gain वेट आफ्टर चिल्ड्रन, लेकिन मेज मेकर्स का ख्याल था कि जो बहुत ज़्यादा वो स्लिम दिखाई देती है, बाद में जो है बच्चों के बाद वो ठीक हो जाएगी, वो वेट गेन कर लेगी। हर कम्प्लेक्शन हैज़ बीन डिसाइडेड इज अ गुड वन, पर ये फैसला किया गया कि उसकी कम्प्लेक्शन अच्छी है, दैट विल कम्पेंसेट हर शॉर्ट कमिंग्स, और वो उसकी शॉर्ट कमिंग्स को कम्पेंसेट कर लेगी, एंड दस आफ्टर ऑल द डिटेल्ड एग्जामिनेशन एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन शी इज़ फाउंड फिट टू बी मैरिड टू द फ्रांसिस्को एक्स नोरहाना ब्रावो हु इज़ अ गुड सन ऑफ मदर चर्च, और फिर बहुत सारी जो है एग्जामिनेशंस के बाद उसको जो है ये कंसिडर किया गया कि हाँ वो फिट है और वो इस शख्स से शादी कर सकती है जिसका बहुत लंबा चौड़ा नाम था, इसको इज्जत देने की खातिर इसके नाम को लंबा जो है करके बताया गया है, जबकि एलिना का नाम जस्ट एलिना बोला गया है, ये बताने के लिए कि वो इन्फीरियर समझी जाती है। हु इज़ अ गुड सन ऑफ मदर चर्च, जो कि मदर सन का बहुत चर्च का बहुत अच्छा बेटा है, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड क्रिश्चियन, ठीक है। एनालिसिस की तरफ आते हैं, द पोइम इज़ अ सटायर ऑन द सेलेक्शन ऑफ ब्राइड फॉर मैरिज, ये पोइम एक सटायर है कि किस तरह जो है मैरिज के लिए जो है दुल्हन की सिलेक्शन, ब्राइड की सिलेक्शन होती है। इट इज़ अ कॉमन सेइंग, ये आम तौर पर जो है कॉमन सेइंग है, दैट मैरिजेज आर मेड इन हेवन बट सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ, के रिश्ते आसमानों पर बनते हैं लेकिन ज़मीन पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ आयरोनिक, पोइम का जो टाइटल है वो आयरोनिक है, सजेस्टिंग दैट मैरिजेस आर वेरी मच मैड ऑन दिस अर्थ, और ये टाइटल हमें बताता है कि रिश्ते बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही इस ज़मीन वालों ज़मीन पर बनाए जाते हैं और ज़मीन वालों को उसमें बहुत अमल दखल होता है। दिस सॉलेम कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड अ पेनफुल प्रोसेस फॉर द ब्राइड, ये जो
रिश्ता तय करना है, ये बहुत जो है मुक़दस रिश्ते में जो है वो जुड़ते हैं। इस मुक़दस रिश्ते को, इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस रस्म को बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस बना दिया जाता है ब्राइड के लिए। शी इज़ टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड इवन मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रूव हर सेल्फ वर्दी ऑफ द मैच। किसी भी रिश्ते को जो है उसको अपना आप जो है साबित करने के लिए कि हाँ वो इस रिश्ते के काबिल हैं, एक लड़की को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस और मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। देर इज़ नो डाउट दैट देर इज़ एन एग्जेजरेशन ऑफ हर मेडिकल टेस्ट विच क्रिएट्स ह्यूमर बट इट इज़ ट्रू। ये कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उसके मेडिकल टेस्ट को बहुत एग्जेजरेट करके बताया गया है जो कि ह्यूमर क्रिएट करता है, बट इट इज़ ट्रू। लेकिन ये सच है दैट इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी फीमेल आर कंसिडर्ड इन्फीरियर, कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फीमेल को इन्फीरियर सेलेक्ट समझा जाता है। इन द पोइम द ब्राइड इज़ जस्ट एलिना, पोइम में ब्राइड का नाम सिर्फ एलिना है, उसके फैमिली का नाम नहीं बताया गया। वेयर इज़ द ब्राइड ग्रूम हैज़ अ ग्रैंड नेम, जबकि ब्राइड ग्रूम को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रैंड नाम है। एंड ही डज नॉट नीड टू प्रूव हिमसेल्फ, और उसको ख़ुद को साबित करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एनफ दैट ही इज़ अ गुड सन ऑफ अ मदर चर्च, ये काफ़ी है कि वो क्रिश्चियन है, बस ये इतना काफ़ी है और मज़ीद उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। एलिना इज़ ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट टू बी परचेस्ड रादर देन अ ह्यूमन विद फीलिंग्स, एलिना को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कोई जो है ऑब्जेक्ट हो, जैसे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो जिसको ख़रीदा जा रहा हो और उसको चेक किया जा रहा हो, रादर देन अ ह्यूमन, उसको ह्यूमन नहीं समझ रहे विद फीलिंग्स, जिसके अपने जज्बात हैं। तो इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस और मेडिकल टेस्ट के बारे में ना वो कुछ बोलती है और ना उसकी राय ली जाती है। हु इज़ अबाउट टू एंटर अ सैक्रेड रिलेशन, शी इज़ ट्रीटेड एज अ नॉन लिविंग थिंग रादर देन अ ह्यूमन, जिसकी फीलिंग्स हैं और वो जो है सैक्रेड रिलेशन में दाखिल होने जा रही हैं। She does not complain about all the procedures as this is the custom of her society. वो तमाम प्रोसीजर्स के बारे में कंप्लेन भी नहीं करती हैं, कोई शिकायत नहीं करती, हमें कोई शिकायत करते हुए नहीं दिखाई देती है इस पोएम में, क्योंकि ये उसकी सोसाइटी का कस्टम है। शी डज़ नॉट सीम टू फील एनी इनजस्टिस, उसको ये फील ही नहीं होता कि उसके साथ इनजस्टिस हो रही है। इस पोएम में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि उसने कहीं पर कोई एतराज़ किया हो, क्योंकि उसकी सोसाइटी का कस्टम है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद किसी रिश्ते के लिए सेलेक्ट किया जाता है। The poem does not follow any rhyme or rhythm and is written in free verse and easy words. Poem किसी खास rhyme और rhythm को follow नहीं करती है और ये free verse में लिखा गया है और easy words में जो है ये है। थीम इसकी मैं आपको बताती हूँ। द पोइम्स मेन फोकस इज़ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ मैच मेकिंग स्पेशली इन मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़। ये पोइम का जो मेन फोकस है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि किस तरह मर्द और औरत में जो है फ़र्क किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ मैच मेकिंग, शादी के मतलब रिश्ता करने के हवाले से, स्पेशली इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ख़ास तौर पर मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ में। अब हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ में जो है औरतों को जहाँ कम समझा, इन्फीरियर समझा जाता है, वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का सामना करना पड़ता है। अ गर्ल हैज़ टू पास थ्रू वेरियस ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंसिस टू प्रूव हर सेल्फ वर्दी ऑफ द मैच, एक लड़की को रिश्ते, खुद को रिश्ते के काबिल प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग एक्सपीरियंसेस से। अ मैन ऑन द अदर हैंड डज नॉट नीड टू गो थ्रू एनी टेस्ट, जबकि दूसरी तरफ एक मर्द को डज नॉट नीड टू गो थ्रू एनी टेस्ट, उसको किसी टेस्ट, किसी एग्जामिनेशन, किसी ऑब्जर्वेशन से पास नहीं किया जाता, उसके लिए उसकी फैमिली का नाम ही जो है वो काफ़ी होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोइम, होपफुली आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।